ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग। आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आइए ये नया दिन फिर से शुरू करते हैं बाबा के आशीर्वाद से। और आज बहुत ही शुभ दिन है, पता है ना कि आज अक्षय तृतीया है और आज भगवान परशुराम जी की जयंती भी है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस पावन और इस शुभ दिन की। भगवान आप सबके घरों में माँ लक्ष्मी भगवान की कृपा हो। भगवान आप सबके घर पे बहुत सारी सुख समृद्धि बरकत सब कुछ दें और अपना आशीर्वाद भी दें। देखिए भगवान से सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ मांगने वाली चीज़ है ना तो उनका आशीर्वाद है, क्योंकि उनके आशीर्वाद में वो सब कुछ है जो हमारी मांगे हैं। और हमारी मांग एक एक चीज़ मांगेंगे तो शायद नहीं पूरी हो पाएगी, लेकिन उनका आशीर्वाद मांग लोगे तो सब कुछ भरपूर हो जाएगा आपके पास। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने भगवान से क्या चाहते हो। वस्तु चीज़ें आभूषण वस्त्र घर मकान खुशियाँ या उनका आशीर्वाद, ठीक है। तो भगवान से मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं किसी पूजा विधि विधान ये सब नहीं जानती या जानता, मैं तो बस ये जानती हूँ कि मेरे बाबा मुझ पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें और ऐसे ही नित्य हर रोज़ हमसे नेक कार्य करवाते रहें। तो मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि आज हमारे इस परिवार की तरफ से एक नेक कार्य किया जा रहा है, जैसा कि हम सभी करते हैं अन्नदान। आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आज अन्नदान किया जा रहा है। मैं आपको पहले नहीं बता पाई क्योंकि अचानक से ही सब कुछ तय हो गया, बाबा है ना तो अचानक से ही कुछ करवा देते हैं। तो आज अक्षय तृतीया पर हम निकल रहे हैं अन्नदान करने के लिए। तो सुबह ही मॉर्निंग में अन्नदान किया जाएगा, सुबह की शुरुआत सेवा के साथ की जाएगी। तो आप लोग भी मेरे साथ हो, जब हम एक दूसरे को अपना मानते हैं ना तो हमारा एक दूसरे का सुख भी हमारा और हमारा एक दूसरे का दुख भी हमारा और सेवा भी हम सबकी एक साथ ही होती है। तो आप लोगों के समक्ष मैं ये बात रख रही हूँ कि हम सभी मिलकर आज इस निदार परिवार की तरफ से अन्नदान किया जाएगा अक्षय तृतीया पर। अगर आप सक्षम हो तो अपने आसपास छोटा सा ही अन्नदान, चाहे एक ही व्यक्ति को खिलाओ, पशु पक्षी को खिला दो, लेकिन खिलाना ज़रूर। बहुत ही अच्छा दिन है, कहते हैं ना कोई वस्तु ले आओ घर में तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन अगर असल में भगवान को प्रसन्न करना है तो उनके बनाए बंदों की सेवा करो जो उन्हें अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा। तो अगर हो सके तो छोटा सा ही छोटी सी सेवा कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। अपने बजट में अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा कीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको भी करके। और भगवान सभी को विजयी प्राप्त हो, सभी को खुशियाँ प्राप्त हो, सभी की लाइफ में जो जिसका सपना है बाबा उस हर सपने को सबके पूरा करना, सभी अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें। जो जिनकी बाबा मैरिज नहीं हो रही है उनको अच्छा घर परिवार मिले आपके आशीर्वाद से, वो सदा सुखी रहें। अपनी भी खुशियों का ख्याल रखें और सबकी खुशियों का ख्याल रखते हुए बाबा हम यही प्रार्थना करते हैं कि सबके घर आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। बाबा जिनकी नौकरी नहीं है आज इस शुभ दिन पर सभी के घर में खुशियों का बहुत सारी खुशियाँ हो बाबा, सभी आनंद में रहें, कृपा करना। और हमें अच्छे से मालूम है कि मेरा साईं मेरी ज़िंदगी के लिए बेहतर ही चाहेगा, जो मुझसे छीन लेगा वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तभी वो मुझसे छीनेगा, नहीं तो वो मेरे चेहरे पर एक भी आंसू नहीं देख सकता, वो मेरी खुशी देख सकता है। अगर मेरी लाइफ में मेरी मनचाही चीज़ मुझसे दूर जा रही है ना तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है। जो मेरा बाबा मुझे देगा ना वो मेरे लिए बेस्ट होगी। इसलिए साईनाथ आप पर विश्वास करके हम वो भी छोड़ सकते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा प्रिय है। हे देवा बस ऐसे अपने चरणों में विश्वास बनाए रखिएगा, ऐसी मेरी लाज रखिएगा प्रभु। तो चलिए आइए मिलकर हम करें, आओ करें हम प्रार्थना मिल करके सब साथ, लाज हमारी रखेंगे हमारे साईनाथ। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। तो
अपने जीवन की डोरी इन्हें दे दो, लाज बाबा ज़रूर बचाएंगे। जितना ज़्यादा आपका विश्वास पक्का होगा ना, वो उतनी ही जल्दी दौड़ कर आएगा। बस बाबा विश्वास की डोरी बांधी है, मजबूत करना आपका काम है। मैं कभी विश्वास नहीं तोड़ूंगी, मैं कभी भी वो काम कभी नहीं करेंगे हम जो मेरी साईं को अच्छा ना लगता हो, बस कृपा बनाए रखना। तो आइए प्रेयर करते हैं बाबा से सभी के लिए, ताकि सभी का जीवन खुशियों से भरपूर हो, बाबा सबको खुशियाँ दें, बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे, हमारी ये प्रार्थना है। तो आज की प्रार्थना के नाम है रवि जी, गुनू जी, सुष्मिता जी, अनूप जी, प्रणौती जी, सुरेश कंसागरा जी, श्याम वर्मा जी, राजेश कुमार जी, सुसंता जी, सोनक जी, पुष्पेंद्र जी एंड ऑल फैमिलीज। हे देवा, इन सभी पर कृपा करना, सबके बिगड़े काम बनाना, सबके घर में आना, सबको दर्शन देना बाबा, सबको शिरडी बुलाना। जो भी समस्या, जो भी परेशानी, जिस भी प्रकार की परेशानी इनके जीवन में चल रही हो, उसका समाधान करना मेरे मालिक। सभी को खुशियाँ देना, सभी पर अपनी रहमत बरसाना, सभी के घर आंगन में आपका आशीर्वाद से बाबा खुशियों की गूंज उठती रहे, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। और आज की प्रार्थना में जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, बाबा उनकी हेल्थ ठीक हो जाए, जैसे कि राजेश कुमार जी को हेल्थ प्रॉब्लम है, बाबा उन पर कृपा करना। गुनू जी को हेल्थ प्रॉब्लम है, उन पर भी कृपा करना साईनाथ, आपकी कृपा। एक नज़र की बात है देवा, सब ठीक हो जाएगा, रहम कर दो। और अब हम उन्हें विश करते हैं जिनकी मैरिज एनिवर्सरीज है और जिनका बर्थडे है। तो सबसे पहले रवि जी एंड लक्ष्मी जी की मैरिज एनिवर्सरी है। रवि जी एंड लक्ष्मी जी, आप दोनों को इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं आप दोनों को सदा खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें। आप दोनों के जीवन में भरपूर प्यार हो, एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, और ये रिश्ता बहुत गहरा और साईं आशीर्वाद से प्रेम से भरा हुआ हो, और साईं कृपा सदा बरसती रहे आप पर और आपके पूरे परिवार पर। और अनूप जी एंड चिरिमाया जी की भी मैरिज एनिवर्सरी है। अनूप जी एंड चिरिमाया जी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी पूरी साईं दरबार फैमिली की तरफ से। आप दोनों का जीवन बहुत ही खुशहाल हो, साईं कृपा से भरपूर हो, आप दोनों का हर सपना पूरा हो, आप जो चाहते हैं आपकी लाइफ में वो मिले, आप दोनों के जीवन में बहुत सारा प्रेम साईं आशीर्वाद से ज़िंदगी में वो हर चीज़ भरपूर हो जो आप चाहते हैं, साईं दया करें आप पर। प्रणौती बोरा जी एंड ईशा जी की मैरिज एनिवर्सरी है। प्रणौती जी एंड ईशा जी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। देवा आप पर कृपा करें, दया करें, रहम करें, आप दोनों को बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आप दोनों का जीवन बहुत खुशहाल हो, साईं कृपा से खुशियां अपार हो, और इतनी लाइफ में खुशियां हो कि आप हर पल आपका बेहतरीन हो, और आपकी हर इच्छा मनोकामनाएँ साईं आशीर्वाद से सदा पूरी होती रहें, हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। श्याम वर्मा जी और पूजा वर्मा जी की मैरिज एनिवर्सरी है। श्याम जी एंड पूजा जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको इस शुभ दिन की, बहुत ही शुभ दिन आप सभी की मैरिज एनिवर्सरी है, बहुत बेहतरीन दिन है, और साईं कृपा बाबा की कृपा सदा आप पर बरसती रहे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर बना रहे, बाबा की कृपा से आपकी हर विश मनोकामना इच्छा पूरी होती रहे, आपका हर सपना पूरा होता रहे, और जो चाहते हैं आपको लाइफ में वो मिले, साईं कृपा सदा आपके जीवन पर रहे, और आपके जीवन का हर एक पल बहुत खूबसूरत हो, रिश्ते सदा प्रेम बना रहे, हमारी बाबा से यही प्रार्थना है। और सुरेश जी का बर्थडे है। सुरेश जी, हैप्पी बर्थडे। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, बाबा की कृपा आपके जीवन पर सदा बरसती रहे, आपका जीवन बहुत खुशहाल हो, साईं कृपा से आपका हर सपना पूरा हो, ज़िंदगी में बहुत तरक्की करो, मेहनत से आगे बढ़ो, साईं कृपा सदा बरसती रहे आप पर। और सोनक जी का बर्थडे है। सोनक जी, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस दिन की। ये दिन आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, आपकी लाइफ का हर सपना पूरा हो, हर इच्छा मनोकामना पूरी होती रहे, हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। तो जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। साईं आप सभी को सदा हेल्दी और हैप्पी रखें। प्रेमचंद चौधरी अंकल जी की हेल्थ इशू है, तो आप सभी बाबा से प्रे करना कि बाबा प्रेमचंद अंकल जी को जल्दी से ठीक कर दो, उनकी हेल्थ जल्दी से ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, हेल्दी और हैप्पी हो जाए।
और चेतना कुशवाहा एंड कृष्ण गोपाल जी की मैरिज एनिवर्सरी है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चेतना जी एंड कृष्णा जी इस शुभ दिन की। साईं आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आप लाइफ में बहुत खुश रहो, हेल्दी और हैप्पी रहो, आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर रहे, साईं कृपा बरसती रहे, बाबा की कृपा से आपकी लाइफ का हर पल बेहतरीन हो और ऐसे ही मालिक का आशीर्वाद आप पर रहे, आपके जीवन में सदा खुशियों खुशियों की बरसात होती रहे, भरपूर रहें खुशियाँ आपके जीवन पर। तो चलिए प्रार्थना को कंप्लीट करने के लिए 11 वचनों का पाठ करके आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। उसके बाद धर्मेंद्र जी का बहुत ही प्यारा सा एक छोटी सी लीला है शेयर करेंगे, सुन के जाइएगा। आइए पहले 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, बाबा की कृपा सदा बरसती रहे। तो आइए सुन लेते हैं लीला। और तो धर्मेंद्र जी लिखते हैं, आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, उन्होंने लिखा है कि शारदा वर्मा जी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना किए थे, वो बाबा की कृपा से ठीक हो गई हैं, कल सुबह के प्रार्थना में ये लीला शामिल कर दीजिए। साईं बाबा सभी परिवार पर साईं दीदार पर अपनी कृपा बनाए रखें, जो कि बाबा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, इसके लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू देवा। और उन्होंने लिखा है कि जब उन्होंने पूजा पाठ करना शुरू किया था तो उनके परिवार वाले और उनके आसपास के लोग पूजा पाठ नहीं करते थे, और धर्मेंद्र जी ने बाबा से रोज़ प्रार्थना की और सभी लोग पूजा करने लग गए और भक्ति मार्ग पर चलने लग गए, जिससे कि उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और आज उनके आसपास के बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं। ये सब बाबा की लीला है, सब चमत्कार है। कहने को तो बातें बहुत छोटी सी हैं, लेकिन इसकी जो सीख है वो बहुत बड़ी है। और धर्मेंद्र जी पूरे साईं परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया भी कहते हैं, थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी, क्योंकि आप भी इस परिवार का हिस्सा हैं और आपने जो लीला शेयर की उससे हमें भी बहुत खुशी मिली है, क्योंकि बाबा की लीला सुन के भला किसको खुशी नहीं मिलती। और इससे हमें सीख ये मिलती है कि धीरज रखो, जो असंभव लगता है ना, भगवान उसे भी संभव कर देते हैं। बस आप के प्रति कभी कुछ गलत नहीं होना चाहिए। आपने यदि कभी गलत किया नहीं, सुना नहीं, किसी को कहा नहीं, तो आपका गलत या बुरा हो नहीं सकता। यदि आपके अंदर सबूरी है ना, तो आपका हर काम स्वयं बाबा करेंगे, इसका आपको विश्वास रखना है और श्रद्धा रखनी है कि साईं बैठे हैं तो मैं चिंता क्यों करूं, मेरी चिंता साईं करे, मैं करूं साईं का चिंतन, बस आप साईं साईं कीजिए और साईं वो हर काम करेंगे जो आपके लिए अच्छे हैं। तो अगर आपके आसपास भी कोई पूजा पाठ नहीं करता तो परेशान ना हो, आप कीजिए, आपका कर्म आपके साथ, उसका उसके साथ, आप करने से मत डरिए, कोई कुछ नहीं करता, यदि आप अच्छा कार्य कर रहे हो तो करते रहो, साथ वाले भी आपको देखकर ना बदल जाएंगे। भगवान की कृपा ऐसी होती है, उनका संग कि जब शुरू होता है ना तो सबको लपेट लेता है। तो चलिए इसी के साथ आज का दिन आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। अगर आपके पास भी कोई लीला है साईं परिवार से जुड़ी हुई तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और ऐसे ही बाबा की प्यारी प्यारी लीला सुन सकते हैं, क्योंकि आज हम किसी के द्वारा लीला को सुन रहे हैं तो कल हमारी भी कोई सुनेगा, फिर हम भी किसी की सुनेंगे। तो बस ऐसे ही सुबह की शुरुआत हो, बाबा का प्यार हो, अपने पूरे परिवार के साथ हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन, प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम। और हाँ, 12:30 बजे लाइव मिलना है,
आ जाइएगा।